नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूँ आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। 21 नवंबर की सुबह जैसे ही अमेरिका से खबर आई कि देश के सबसे बड़े उद्योगपति गौतम अडानी पर सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप लगा, कांग्रेस ने इसे अपने हाथों में बड़े मुद्दे के रूप में उठा लिया। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी एनर्जी पर आरोप था कि उसने सोलर एनर्जी से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए अधिकारियों को रिश्वत दी। कांग्रेस ने आरोप केंद्र की एनडीए सरकार पर लगाया और अडानी को मुद्दा बनाकर प्रधानमंत्री मोदी को घेरने का सिलसिला शुरू कर दिया। राहुल गांधी और पार्टी ने लगातार अडानी के मामलों में भ्रष्टाचार की चिट्ठी खोली और आरोप लगाया कि मोदी सरकार अडानी को जानबूझकर फायदा पहुंचा रही है। राहुल का सीधा आरोप हमेशा से यही रहा कि अडानी मोदी के करीबी दोस्त हैं और इसीलिए उन्हें हर बड़े कॉन्ट्रैक्ट में विशेष लाभ दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही कांग्रेस ने अडानी का मुद्दा जोर शोर से उठाया, जिसका परिणाम ये रहा कि संसद की कार्यवाही लगातार ठप हो रही है, क्योंकि विपक्षी दलों ने अडानी के साथ साथ अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। 25 नवंबर से लेकर गुरुवार तक विपक्ष ने अडानी के आरोपों के साथ साथ संभल में हुई हिंसा को भी उठाया, जिससे संसद में कोई चर्चा हो ही नहीं पाई। इतना ही नहीं, इन सबके बीच इंडिया गठबंधन के भीतर हलचल बढ़ने लगी है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी, जो पहले तक कांग्रेस के साथ खड़ी थी, अब वो इस मुद्दे पर अलग रास्ता अपनाने लग गई है। टीएमसी ने साफ किया है कि वो सिर्फ एक मुद्दे को लेकर संसद में कार्यवाही को ठप नहीं करना चाहती। ममता बनर्जी की पार्टी चाहती है कि संसद चले और जनता के असली मुद्दों पर बात हो, मगर अफसोस कि राहुल गांधी के लिए अडानी ही सबसे बड़ा मुद्दा है। महाराष्ट्र चुनाव में हार के बाद भी उन्होंने अडानी का नाम जोर शोर से लिया था, मगर नतीजे ये स्पष्ट कर गए कि उनका ये दाग ज्यादा सरदार तो नहीं है। देखा जाए तो राहुल गांधी के अडानी पर लगातार आरोप कांग्रेस के अंदर भी सवाल उठा रहे हैं, खासकर उन राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकारें रही हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकारों ने अडानी को मोटे कॉन्ट्रैक्ट दिए थे, लेकिन इस पर बीजेपी की ओर से उठाए गए सवालों का राहुल गांधी के पास अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं है। देखा जाए तो अडानी का निवेश तमिलनाडु से लेकर तेलंगाना तक, पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है और इन राज्यों में विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं। बीजेपी इस मुद्दे को राहुल गांधी पर पलटवार करने के लिए इस्तेमाल करती है, जबकि राहुल को अपने सहयोगी दलों का पूरा समर्थन नहीं मिल पा रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई राहुल गांधी और कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा कि अडानी के मुद्दे के अलावा भी देश में कोई और बड़े मुद्दे भी हैं? क्या अडानी के मामले में इतनी ही गंभीरता से कांग्रेस बाकी मुद्दों पर ध्यान दे पाती है, या फिर ये एक अकेला मुद्दा है जिस पर राहुल गांधी बात करना चाहते हैं? संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन अफसोस की बात है कि अभी तक कोई भी चर्चा नहीं हो पाई है, वो भी केवल अडानी की वजह से। राहुल गांधी को सोचना होगा कि क्या वाकई में वो लोकतंत्र को बचा पा रहे हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में तही देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।